प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देखिए, लिपस्टिक को पसंद करने वाले दोस्त ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने बहुत समय पहले से प्लान की थी। बहुत बार मैंने कहा है कि मैं बनाऊंगी पर मैं बना नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मुझे लिप्स पैचेस करना काइंड औखा लगता है, क्योंकि फिर आपके लिप्स सारे गुलाबी हो जाते हैं। पर आज मैंने हिम्मत करके कर ही लिया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि उन्हें चाहिए पिंक लिप्स वाली वीडियो, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मैं पिंक लिप्स पहनती हूँ। सो आज मैं सोचा कि यार इन्ना भी औखा नहीं है, कर ही लेती हूँ, लिटिल सा टचअप कर लूँ, क्योंकि जब आप लिप्स को चेंज करते रहते हैं तो आपका ये सारा एरिया गुलाबी हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरा हो गया है, अगर हो गया तो आई एम वेरी सॉरी। अब पिंक लिप्स को स्वैच करना, रेड को तो करना बहुत ही मुश्किल है, आपका ये सारा एरिया रेड हो जाता है, सारा मेकअप उतर जाता है। फटाचाप। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ये प्यारा सा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, ओके, नॉट सो प्यारा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कंसीडर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, मेरे लाइफस्टाइल व्लॉग्स हैं, सम हेयर देयर कुकिंग वीडियोस भी हैं, मेकअप की वीडियोस भी हैं। सो बहुत सारा बंच ऑफ चीज़ें हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सारा चीज़ें आपको तभी करने की ज़रूरत है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी पिंक फेवरेट लिक्विड लिपस्टिक्स। पहले मैं सोच रही थी कि मैं सारी लिपस्टिक्स में से निकाल लेती हूँ कि मुझे कौन सी पसंद है, पर मैंने देन देखा कि जो मैं डेली मेरे व्लॉग्स में पहनती हूँ या ज़्यादातर मुझे पहनना पसंद है वो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। तब मुझे लगा कि यार ज़्यादा कलम अलग करने की ज़रूरत नहीं है, लिक्विड लिपस्टिक से शेयर कर देते हैं, दूसरी हम फिर कभी कर देंगे, क्योंकि वो मैं बहुत ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। मुझे लिक्विड पसंद है क्योंकि मेरी जो स्किन है ऑयली है, इसी वजह से शायद मुझे मैट किस्म की लिपस्टिक पहनना पसंद है। सो यस, मैं लेके आई हूँ आपके लिए 5 अफोर्डेबल, कोई भी हाई एंड नहीं है इसमें, अफोर्डेबल 5 पिंक लिपस्टिक्स हमारी स्किन के लिए, हमारी मतलब ब्राउन स्किन के लिए, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे पिंक्स हैं जो हर एक स्किन पे अच्छे नहीं लगते हैं। सो मैं चुन के लेके आई हूँ जो मैं सालों से आजमाए हैं, जो मेरी स्किन पे अच्छे लगते हैं, जिस पे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। वैसे मेरे पास और भी ढेर सारा है गुलाबी लिपस्टिक्स का, पर उनको लगा कि यार चेहरा वॉश आउट हो जाता है, इतना लगता कि पता नहीं की कर लिया। सो यार आप देखिए कि ये वाला पिंक कितना प्यारा लग रहा है। यार काफ़ी समा, काफ़ी सालों की रिसर्च लगी है इन रंगों को ढूंढने में। हिमालय के गोदों में मैंने तपस्या की, तब मुझे पता चला कि कौन से रंग अच्छे। ओके, मजाक कर रही हूँ। सो विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ। मैं आपको स्वैच करके भी बताने वाली हूँ कि मेरी स्किन पे कैसे लग रहे हैं और आपके पे कैसे लगेंगे। और अगर आप समन है जो पिंक लिपस्टिक्स की खोज में है, आपको हिमालय पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं ही बता दूंगी। सो इन्हीं को टेस्ट कर लेना एंड शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेड शेयर करने वाली हूँ वो है ये ब्यूटीफुल सा पिंक शेड, जो कि काइंड ऑफ डार्क है। ये है वेट एंड वाइल्ड की ये लिक्विड लिपस्टिक। इसका जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मैट लिपस्टिक है ये। अगर आपको मैट लिपस्टिक्स, ये मैट लिक्विड लिपस्टिक है, अगर आपको मैट फिनिश वाली लिपस्टिक्स अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, मे बी मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे ज़्यादा ऑयली फिनिश अच्छी नहीं लगती है, और मेरे लिप्स का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर मैं शाइनी लगाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा विजिबली दिखते हैं। सो मुझे मैट ही अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि मोस्टली सारी मैट ही होने वाली है, एक ही शायद क्रीमी सी होगी। सो ये वाला जो पिंक है ये उन दोस्तों के लिए जिनको पिंक ब्राइट अच्छा लगता है। एंड ये वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड लिपस्टिक है, मेगा लास्ट लिक्विड कैप्सूट, और इस शेड का नाम है बेरी रिकॉग्नाइज। एंड मैं सारी लिपस्टिक्स के नाम एंड उनके शेड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी। ऐसा लग रहा है ये शेड, और अगर आप जानना चाहते हैं मेरी स्किन का कलर क्या है तो मेरी स्किन है मैक NC45। ये मेरी स्किन पर ऐसे लग रहा है। बहुत सारे पिंक शेड्स मुझे मेरे फेस पर अच्छे नहीं लगते हैं, और ये वन ऑफ दोज है जो मुझे अच्छा लगता है। और जब मुझे लगे कि मुझे डार्क पिंक की ज़रूरत है, कि ज़्यादा विजिबली दिखे, तो ये मैं पहनती हूँ। और मैं लिक्विड लिपस्टिक्स की फ़ैन हूँ। इसका जो फार्मूला है वो आपके लिप्स पर ड्राइंग नहीं है। बहुत सारी लिक्विड लिपस्टिक जब आप लगाते हो तो लिप्स ऐसे टाइट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि क्या करें हमारी ज़िंदगी में। सो ये वन ऑफ दोज है जिससे आपको ऐसे नहीं फील होता है। जो अगला मैं शेड लगाने वाली हूँ वो लिक्विड लिपस्टिक ही है, वो है मेबलिन की लिक्विड लिपस्टिक, जिसके शेड का नाम है रूलर, नंबर है 80। मेबलिन की
लिक्विड लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं, और इनका ये जो ब्रश है इससे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और ये भी काइंड ऑफ ब्राइट पिंक ही है। मेबलिन की लिक्विड लिपस्टिक्स का फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, आपके लिप्स पे बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता है, और काफ़ी ज़्यादा लास्टिंग पावर है इसकी, काफ़ी देर तक टिका रहता है आपके लिप्स पे। लिक्विड लिपस्टिक्स का यही है कि आप कितना लंबा समय तक इसको अपने लिप्स पे रख सकते। क्रीमी लिपस्टिक्स लगाते हैं खाते गम जाती है, सो इसका ये चक्कर नहीं है। इसका ब्रश काफ़ी ज़्यादा आसान है काम करने के लिए। सो ये जो पिंक है मेरे लिप्स पे कुछ इस तरह का लग रहा है, ये भी काइंड डार्क है एंड मुझे अच्छा लगा, एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है ये। अफोर्डेबल तो है पर इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट हाई एंड जैसी ही है, सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी शेड लगता है पिंक में। सो अगला जो पिंक मुझे अच्छा लगता है वो है रिमल लंडन की लिक्विड लिपस्टिक स्टे मैट। ये मुझे आपने बहुत बार यूज करते हुए देखा होगा मेरे चैनल पे। इसका नाम है रोज एंड शाइन है। इसका फार्मूला भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। रिमल लंडन की लिक्विड लिपस्टिक्स की लास्टिंग पावर भी अच्छी है। पीची किस्म का पिंक है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कलर्स, पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे चेहरे पे। ये बहुत अच्छा लाइट पिंक काइंड का कलर है। इस पिंक शेड को मैं यूजली ऐसे नहीं लगाती हूँ, इसको मैं कलर मैच करके लगाती हूँ थोड़े से ब्राउन किस्म के लिप लाइनर के साथ, उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है, तो वैसा ही हम करेंगे। ब्राउन लिप लाइनर नहीं है मेरे पास पर एक लिक्विड लिपस्टिक है, सो उसी के साथ मैं आउटलाइन कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा ज़्यादा विजिबली दिखे। सो यूजली मेरे व्लॉग्स में मैंने यही कलर होता है। सो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल न्यूड किस्म का पिंक शेड है जो कि एवरीडे के लिए परफेक्ट है। अगर आपने स्मोकी आई की है या आपने अपनी आईज को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बनाया है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी लुक को बहुत ज्यादा नेचुरल ग्लोई एंड शाइनी रखना चाहते हैं तब भी ये कर सकते हैं। मुझे ये शेड एवरीडे पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये शेड फिलहाल के लिए थोड़ा लाइट एंड डल इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले मैंने डार्क शेड लगाए थे, पर ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है पिंक का लिक्विड लिपस्टिक्स में। अगला जो मैं लिप शेड लगाने वाली हूँ वो है वेट एंड वाइल्ड का अगेन से मैगालास लिक्विड कैटसूट लाइन से। इस शेड का नाम है रेबल रोज। ये मैंने बहुत बार लगाया है स्पेशली जब मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक किस्म की आईज बनाई है, और इसके बारे में आप हमेशा पूछते हैं कि ये कौन सा शेड है। ये काइंड ऑफ कूल टोन पिंक है बट फॉर सम रीजन्स ये भी हमारी स्किन पर बहुत अच्छा लगता है। ये जो शेड है ये मेरा इतना कंफर्ट शेड है कि जब मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैं मेरे लिप्स पे क्या लगाऊं तो मैं ये लगा लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने दो ट्यूब्स की ऑलरेडी फिनिश कर दी है और ये भी फिनिश होने वाला ही है। ये मेरा सच अ कंफर्ट कलर है। ये वन ऑफ दोज कलर है जिसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे पिंक पसंद हैं पर उनमें मुझे और भी 10-15 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, पर इसमें मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता, इसलिए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड कम्फर्टिंग लगता है। वैसे ही तो ये मैट लिपस्टिक है बट बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका, आपके लिप्स पर बिल्कुल भी ड्राइंग फील नहीं होता। अगर आपको ऐसा नूड अच्छा नहीं लगता है आप आउटलाइन कर सकते हैं किसी डार्क शेड के साथ, पर ये वाला शेड ज़रूर से ट्राई करना, उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये स्पेशली जब आपकी आंखें ज़्यादा हैवी एंड ड्रामेटिक हों तब भी ये बहुत अच्छा लगता है, पर आप इसको नेचुरल के साथ भी पहन सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत प्यारा शेड लगता है। अगर इस सारी शेड्स में आप एक ही ट्राई करेंगे ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैंने ये मेरे किसी व्लॉग में पहना है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो हमेशा इस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, शायद ये मेरी स्किन पर अच्छा लगता है, शायद इसे लगा के मुझे अच्छा लगता है। अगला जो मैं आपके साथ शेड शेयर करने वाली हूँ उसको आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में बहुत बार देखा होगा, वो है ये एसेंस का स्टे 8R मैट लिक्विड लिपस्टिक। मुझे लगता है कि जितनी भी मैंने मेरी लिक्विड लिपस्टिक आपके साथ शेयर की है सारी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये अराउंड 5 or 6 का है। इसका ब्रश कुछ इस तरह का है, एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इसके साथ, और इसके शेड का नाम है मैड अबाउट यू है इसके शेड का नाम। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी पिंक है। इसके ब्रश की शेप काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा स्लिम है, इससे भी एप्लीकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है। ये थोड़ी लिक्विडी सी है पर ड्राई, जब ये ड्राई हो जाती है तो इसकी काफ़ी अच्छी फिनिश है। ऑलराइट, सो ये ड्राई हो चुका है, आप देखें कि इसकी जो फिनिश है कितनी ब्यूटीफुल है, और ये शेड भी कितना ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो गया है, और ये भी हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मुझे लगता है कि इसका एंड वेट एंड वाइल्ड का प्राइस बिल्कुल सेम होगा। रिमल लंडन एंड मेबलिन 8-9 में है, पर ये सारी 6 or 4 or 5 ऐसे कुछ है। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको आपका फेवरेट मैट लिक्विड पिंक
लिपस्टिक शेड मिल गया होगा। अगर आप इनमें से कोई शेड ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस है कि ये भी पिंक अच्छा है तो वो भी बता देना। अगर आपका इनमें से कोई फेवरेट है वो भी ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पर अगर आपके पास कोई भी मेकअप से रिलेटेड वीडियो रिक्वेस्ट है या चाहते हैं कि मैं करूँ तो प्लीज़ उसे कमेंट बार में ज़रूर से छोड़ देना, क्योंकि तभी मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल को क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। बाय, लालू। I love you.